भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद में अब 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया के शानदार जीत ने सीरीज में टीम इंडिया को वापसी करा दी है, लेकिन इसी बीच ICC की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आती है जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इससे इंग्लैंड के उन दिग्गजों की बोलती बंद हो गई है जो भारत पर सवाल खड़े कर रहे थे। इंग्लैंड का आखिरी पैंतरा भी अब विफल होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद इंग्लैंड का बुरा हाल है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ICC की उस अपडेट के बारे में जिसने हर किसी को हैरान में डाल दिया। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेकर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होने को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कही है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया भारत को वजह बता रहा है खुद के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। ये जानने से पहले कि ICC की वो बड़ी अपडेट क्या है और आखिर इंग्लैंड की वो कैसे बोलती बंद हो रही है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लैंगर ने भारत को लेकर और उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने को लेकर क्या कहा है। न्यूजीलैंड WTC तालिका में ऑस्ट्रेलिया से केवल 0.3% अंक आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने COVID-19 महामारी के कारण टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा नहीं किया, जिससे उसकी WTC फाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं क्षीण पड़ गई। लैंगर ने कहा, हमारे मैनेजर गेविन डोवे तब भी टीम का हिस्सा नहीं थे, वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए चले गए। हमें मैच के बाद एहसास हुआ कि हमारी ओवर गति धीमी हो गई है, अब हमारी तरफ से वास्तव में ये एक बड़ी लापरवाही थी। लैंगर ने कहा कि मुझे याद है कि बाद में हम टीम रूम में थे और मैंने पैनी यानी कप्तान टीम पैन और अपने विश्लेषक डैनी हिल से बात की थी। मैं इसको लेकर नाराज था और मुझे लग रहा था कि इसे हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका गवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि भारत के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में ओवर गति बरकरार नहीं रख पाना उनकी टीम की वास्तव में लापरवाही है, जिसके कारण वह आखिर में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की सीरीज में दूसरे मैच में तय समय में 2 ओवर कम डालने की वजह से 4 WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक काटे गए। जी हां, गंवाने पड़े वो अंक। हाल ही में इंग्लैंड को घरेलू सीरीज में 3-1 से हराने वाली भारतीय टीम ने WTC में फाइनल में जगह बना ली, जहां जून में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना नहीं लगा होता तो न्यूजीलैंड की जगह वो फाइनल में भारत के साथ खेलती, लेकिन इसी बीच भारत पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगा। इंग्लैंड की वो चाल जो भारत को अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर सकती है। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3रा टेस्ट मुकाबला और 4था टेस्ट मुकाबला। 3रा टेस्ट मात्र 2 दिन में ही खत्म हो गया और 4था टेस्ट मुकाबला 3 दिन में खत्म हुआ। इसके बाद इंग्लैंड दिग्गजों ने भारत के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ब्रिटिश मीडिया की कहीं न कहीं ये चाल थी कि टीम इंडिया के इस पिच पर नेगेटिविटी मिल जाए, अगर ICC जुर्माना लगा दे तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, ICC की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो टीम इंडिया के लिए खुशखबरी है। वो आखिरी पैंतरा जो टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर सकता था, केवल यही आखिरी रास्ता था इंग्लैंड के पास, लेकिन अब वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICC ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को औसत दर्जे की रेटिंग दी है। जी हाँ, बड़ी रेटिंग तो नहीं मिली है, लेकिन औसत दर्जे की रेटिंग भी टीम इंडिया के लिए काफी है, क्योंकि टीम इंडिया इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जरूर पहुंच जाएगा। ICC की इस बड़ी खबर के बाद इंग्लैंड के उन सभी दिग्गजों की बोलती बंद हो गई जिन्होंने भारत पर सवाल खड़े किए और भारत के इस पिच पर सवाल खड़े किए, अब उनकी बोलती बंद है। खैर, इस टॉपिक के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कमाल कुछ धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।